तो वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एसजी में। सो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं आइसोनिक्स वायरलेस स्पीकर का। सो फ्रेंड्स, इसका क्वालिटी, प्राइस एंड पूरा डिटेल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो बने रहे, वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एसजी में। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें इसी तरह का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक आइसोनिक्स एक क्वालिटी प्रोडक्ट, प्लस अगर इस जगह आप देख सकते हैं वायरलेस स्पीकर हमें देखने को मिल जाएगा, प्लस इसका मॉडल के बारे में अगर बात करें तो XBS1181FM हमें देखने को मिल जाएगा। प्लस इस जगह बॉक्स में ही आप देख सकते हैं कुछ चीज़ हाईलाइट किया गया है, जैसे कि बैटरी, प्लस उसके बगल में मेमोरी कार्ड, उसके बगल में कॉल्स, उसके बगल में USB एंड उसके बगल में FM। प्लस फ्रेंड्स, इस साइड में और इस साइड में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड बॉक्स के इस साइड में एक और कलर ऑप्शन जिसे ब्राउन एंड ब्लैक, इसमें हमें 3 कलर्स ऑप्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रे कलर, हमें इसमें 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो ये जो है हमारा, ये ब्लैक कलर में है। सो ये हो गया। प्लस अगर इस साइड अगर हम बात करें तो इस साइड कुछ फंक्शन दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। प्लस अगर हम इस साइड में बात करें तो इस साइड आप देख सकते हैं मैनुअल एंड एसेसरीज में हमें देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हमें देखने मैनुअल में अगर बात करें तो विथ ब्लूटूथ फंक्शन देखने को मिलेगा। उसी के नीचे हम देख सकते हैं सेकंड में कैन डायरेक्टली प्ले म्यूजिक फ्रॉम USB डिस्क के साथ देखने को मिलेगा। प्लस थर्ड में आप देख सकते हैं कैन डायरेक्टली प्ले म्यूजिक फ्रॉम TF कार्ड हमें देखने को मिलेगा, मतलब मेमोरी कार्ड देखने को मिलेगा। प्लस उसके नीचे में फोर्थ नंबर में कैन डायरेक्टली प्ले म्यूजिक फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ ऑडियो डिवाइस लाइन इन केबल देखने को मिल जाएगा। प्लस उसी के नीचे में आप देख सकते हैं फिफ्थ पॉइंट में विथ चार्जेबल बैटरी देखने को मिल जाएगा। उसी के नीचे में आप देख सकते हैं जगह विथ FM रेडियो फ्रिक्वेंसी 87.5/108 MHz हमें देखने को मिल जाएगा। प्लस एसेसरीज के बारे में अगर बात करें तो हमें 1 USB पावर सप्लाई केबल देखने को मिलेगा। प्लस सेकेंड में 1 लाइन इन 3.5 स्टीरो ऑडियो केबल देखने को मिलेगा, प्लस विथ शोल्डर स्ट्रैप के साथ। सो फ्रेंड्स, ये हो गया। सो फ्रेंड्स, चलिए इसे ओपन करके देखते हैं एंड इसका क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बॉक्स कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। इसका जो बॉक्स के अंदर है वो ब्लैक कलर का हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का। प्लस बॉक्स में ही हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाएगा देख सकते हैं। एक ये मिल जाएगा जिसे आप अपने कंधे पर टांग सकते हैं, उसके लिए दिया जाता है, जो काफ़ी अच्छा चीज़ है। प्लस उसके नीचे में हमें एक ऑक्स केबल देखने को मिल जाएगा। प्लस उसके नीचे में USB केबल हमें एक छोटा सा देखने को मिल जाएगा, जिसे आप अपने चार्जर अडेप्टर जो आता है उससे कनेक्ट करके आप अपने स्पीकर को चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए ये 3 चीज़ हमें देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए इसे बाहर निकालते, इसे साइड में रखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो देख सकते हैं कुछ इस तरह का वाइट पैकेजिंग में ये आता है। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा वायरलेस स्पीकर, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का क्वालिटी में आता है ये। जो इसका क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं। ये आइसोनिक्स का ब्रांडिंग भी किया गया है, देख सकते हैं आप। इस जगह से अपना जो ये है, आपको जो ये दिया गया है जिसे आप कंधा पर टांगिएगा, उसे इस जगह से आप क्लिप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से एंड इसे यूज कर सकते हैं, मतलब अगर आप टांग के इसे घूमना चाहते हैं उसके लिए ये आता है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्वालिटी तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है बाहर से, तो इसका साउंड बजा कर देखेंगे तब हमें और भी अच्छे से पता चलेगा। सो देख सकते हैं आप इस जगह से, फर्स्ट में हमें ऑन ऑफ का बटन देखने को इस जगह मिल जाएगा, प्लस DC 5 वोल्ट का चार्जर पॉइंट देखने को मिल जाएगा। उसी के बगल में हमें USB पॉइंट देखने को मिल जाएगा। उसके बगल में TF कार्ड, मतलब मेमोरी कार्ड का पॉइंट देखने को मिल जाएगा। उसी के बगल में ऑक्स केबल का पॉइंट देखने को हमें इस जगह कोने पर मिल जाएगा। प्लस इस साइड में अगर हम बात करें तो सामने अगर हम आ जाएंगे तो इस जगह आप देख सकते हैं फर्स्ट में माइनस एंड प्लस बटन, आपका साउंड को कंट्रोल करने के लिए इस जगह से प्लस बटन, इस जगह से माइनस बटन हमें देखने को मिलेगा। प्लस इस जगह से मैनुअल देखने को मिलेगा एंड इस जगह से पॉज बटन देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड, चलिए इसे ऑन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इस जगह आपका लाइट जलेगा, जो अलग अलग कलर का लाइट जलेगा, जो चेंज होता रहेगा, कभी ब्लू, ब्लैक, पिंक, सब तरीके का लाइट इसमें चेंज होता रहेगा, ग्रीन, येलो, सब तरीके का। सो देख सकते हैं, वेलकम टू आइसोनिक्स म्यूजिक वर्ल्ड, देख सकते हैं इधर हमारा कलर, देख सकते हैं अलग अलग डिजाइन एंड कलर में ये चलना भी चालू हो गया, जो काफ़ी अच्छा दिखता है। इसे देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर दिखता है, इसका जो कलर है वो काफ़ी सुंदर दिखता है इस तरीके से।
सो फ्रेंड्स चलिए इसे अपने डायरेक्टली हम अपने मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। जब इसे आप ब्लूटूथ मतलब अपने मोबाइल से जब आप इसे कनेक्ट करते हैं तो एक चीज़ का याद रखें कि जब भी आप इसे इसका साउंड को बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लिए आपको इस जगह जो माइनस प्लस बटन दिया गया है इसको कंटिन्यूस आपको प्रेस करके रखना होगा, तभी आपका म्यूज़िक का साउंड जो है वो बढ़ेगा। अगर आप एक बार क्लिक करते हैं अगर मोबाइल से ब्लूटूथ से अगर गाना बजा रहे हैं और एक बार अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका म्यूज़िक चेंज हो जाएगा और इससे म्यूज़िक पीछे चल जाएगा आपका, इसके लिए मतलब दूसरा सॉन्ग बजने लग जाएगा। इसीलिए जब भी आप इसका साउंड अगर मोबाइल से अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट किए हैं तो इसे कंटिन्यूस प्रेस करके आपको रखना होगा। सो फ्रेंड्स चलिए इसे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से, उसके बाद इसे बजा करके देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा वायरलेस स्पीकर मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है, सो चलिए इसे बजाते हैं और इसका साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स इसका जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। प्लस इसका जो आवाज़ मैंने फुल साउंड दिया उसमें भी इसका आवाज़ जो है वो फटने जैसा नहीं हुआ, मतलब काफ़ी अच्छा एंड क्लियर आवाज़ आ रहा था। प्लस क्वालिटी वाइज ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब आप जब इसे परचेज़ करिएगा तो आपको और भी अच्छे से पता चलेगा, लेकिन मैं अपना रिव्यू दूँ तो ये क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। और अगर हम इसका प्राइस के बारे में अगर बात करें तो मैक्सिमम आपको ये 800 से 900 रुपये के बीच में मार्केट में किसी भी जगह से अगर आप परचेस करते हैं तो आपको इजीली मिल जाएगा, मतलब 800 या 900 रुपये में ये मैक्सिमम इसका प्राइस है। अगर आप कहीं से भी इसका परचेस करते हैं तो 800 से 900 रुपये ही दें। और इसका जो अगर क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। मैं पर्सनल रिव्यू दूँ तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। प्लस जिस प्राइस रेंज में आ रहा है उस प्राइस रेंज के हिसाब से ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब ये वायरलेस स्पीकर काफ़ी अच्छा है। सो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें इसी तरह का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो पाने के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसे भी फॉलो कर ले, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में किस तरीके का वीडियो आने वाला है उसका सारा अपडेट आपको इंस्टाग्राम पर ही मिलेगा। सो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।